यह फरवरी 28 की बजाय 29 दिनों की होगी, इसे लीप ईयर कहते हैं। यह क्या होता है, क्यों होता है और इससे हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, आइए हम आपको इसे विशेष प्रस्तुति में वह सब बताते हैं जो आप लीप ईयर के बारे में जानना चाहेंगे। लीप ईयर उसे कहते हैं जिसमें साल के 366 दिन होते हैं। सामान्य रूप से साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक दिन अतिरिक्त होता है। यह हर 4 साल में एक बार आता है। फरवरी में तो वैसे 28 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में 29 दिन होते हैं। यह साल लीप ईयर है। इस बार फरवरी 29 दिनों की होगी। पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य का चक्कर लगाती है। एक पूरा चक्कर लगाने में इसे 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। चूंकि ये 6 घंटे का अतिरिक्त समय दर्ज नहीं होता है, इसलिए हर 4 साल में एक दिन ज्यादा हो जाता है। 24 घंटे का एक दिन होता है। 6 घंटे प्रति वर्ष के हिसाब से 4 साल में पूरा एक दिन बनता है। ऐसे में प्रत्येक 4 साल बाद फरवरी के महीने में इस एक अतिरिक्त दिन को जोड़कर इसका संतुलन बनाया जाता है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह कैसे पता किया जाता होगा कि कोई साल लीप ईयर है या नहीं। किसी भी साल को लीप ईयर होने के लिए इन 2 कंडीशन को पूरा करना जरूरी होता है। पहला यह कि उस वर्ष विशेष को 4 की संख्या से भाग किया जा सकता है, जैसे 2000 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है। इसी तरह से 2004, 2008, 2012, 2016 और अब यह नया साल 2020 भी इसी क्रम में शामिल है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई वर्ष 100 की संख्या से डिवाइड हो जाए तो वह लीप ईयर नहीं है, लेकिन अगर वही वर्ष पूरी तरह से 400 की संख्या से विभाजित हो जाता है तो वह लीप ईयर कहलाएगा। उदाहरण के लिए 1300 की संख्या 100 से तो विभाजित हो जाती है, लेकिन 400 से विभाजित नहीं हो सकती है। इसी तरह से 2000 को 100 से डिवाइड किया जाए तो 4000 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, इसीलिए यह लीप ईयर कहलाएगा। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इस गणितीय व खगोलीय गणना का हमारे जीवन से क्या लेना देना है। आइए आपको बताते हैं। जिन लोगों का जन्म 29 फरवरी को होता है, वे अपना वास्तविक जन्मदिन 4 साल में एक ही बार मना पाते हैं। हालांकि सांकेतिक रूप से 28 फरवरी को अपना जन्मदिन मना लेते हैं, लेकिन सरकारी कागजों में, कानूनी दस्तावेजों में तो यह 29 फरवरी ही आधिकारिक तिथि के रूप में दर्ज होती है। मजे की बात तो यह है कि 29 फरवरी को जन्मे व्यक्ति को अपना वास्तविक 25वां जन्मदिन मनाने के लिए पूरे 100 साल का होना पड़ेगा। इसी तरह से हर साल 28 फरवरी तक काम करके पूरे महीने का वेतन लेने वाले कर्मचारियों को इस महीने एक दिन अतिरिक्त काम करना होगा। हालांकि यह 30 और 31 दिनों के महीनों की तुलना में फिर भी एक दिन कम ही होता है। लीप ईयर में जन्मे हैं कई प्रसिद्ध लोग, आइए आपको बताते हैं उनके बारे में। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई लीप ईयर में जन्मे थे। उनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था। वे जनता पार्टी की सरकार में वर्ष 1977 से 1989 तक प्रधानमंत्री रहे। संयोग की बात है कि वे लीप ईयर में जन्मे थे जो 4 साल में आता है, और देश के प्रधानमंत्री बनने वाले भी वे चौथे ही व्यक्ति थे। वहीं आपको बता दें कि सुपरमैन एक ऐसा पात्र है अपने सुपर पावर के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। लेखक जेरी सीगल के मुताबिक यह करेक्टर 1938 में आई लीप ईयर में ही कॉमिक्स में लाया गया था। रुक्मणी देवी भारत एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। उनका जन्म 29 फरवरी 1904 को मदेरू में हुआ था। उन्होंने कला क्षेत्र नामक संस्था की स्थापना की थी। वे भरतनाट्यम की शास्त्रीय नृत्यांगना और प्रशिक्षक थी। पशु अधिकारों और कल्याण के लिए भी वे बतौर एक्टिविटीज काम करती थी। वे भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया था। 24 फरवरी 1986 को चेन्नई में उनका निधन हो गया। अब आपको बताते हैं अगले आने वाले लीप ईयर 2024, 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, ऐसे ही ये 3000 तक होंगे।
करनाल से संवाददाता तरुण मैदान की रिपोर्ट। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।